हेलो, कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? आज यहाँ पर हम सूप डेकोरेशन, विनो डेकोरेशन बनाएंगे। यहाँ पे मैंने ये रेड कलर लिया है, ग्लू है, ये डेकोरेटिव मिरर्स है, इस तरह का ये डेकोरेटिव टेप है, ये गोल्डन कलर की ग्लिटर है, और ये देखिए ये नोटबुक का इस तरह का कार्डबोर्ड है, ये इस तरह का ग्लू यूज़ किया है। देखिए यहाँ पे मैंने ये 20 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर का कार्डबोर्ड कट किया है। देखिए इस तरह से यहाँ पे ये 4 बाय 4 सेंटीमीटर का, ये जो 20 सेंटीमीटर की साइड है इस पे यहाँ पे एक स्क्वायर बना लिया है। इसकी सेंटर में हमें इस तरह से ये लाइन बना लेनी है, ये देखिए इस तरह। यहाँ पे इसके जो लाइन बनाए हैं सेंटर में, इसको कट करना है इस तरह से। ये इस तरह से यहाँ पे इसको फोल्ड करना है, देखिए इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। यहाँ पे ये मैंने ग्लू लिया है, ये देखिए ये कॉर्नर पे लगाएंगे इस तरह से। और ये देखिए ये जो हमें ये साइड है तो यहाँ पे फोल्ड करना है, तो इसको यहाँ पे भी ग्लू लगा लेना है, ये देखिए इस तरह से। ये जो कार्डबोर्ड है, ये जो सॉफ्ट कार्डबोर्ड है लिया है, इस तरह से इसको यहाँ पे स्टिक करेंगे। अभी यहाँ पे दूसरी साइड में भी उसी तरह से स्टिक कर लेना है, ये देखिए इस तरह से। ये जो 20 सेंटीमीटर की साइड है इसके ऊपर मैंने ये कट लगाए हैं, ये इस तरह से इसको दोनों साइड से स्टिक करके लेंगे। ये देखिए ऐसे बन जाएगा, ये इस तरह से इसका शेप बन जाएगा। इसके ऊपर में हमने जो ये रेड कलर लिया है इसको लगा लेना है। यहाँ पे मैंने ये एक्रीलिक कलर यूज़ किया है, आप कोई भी कलर ले सकते हैं, कोई भी कलर से इसको कलर कर सकते हैं। इस तरह से बना के सुखा लेना है, ये देखिए ऐसे मैंने बना के दोनों साइड कलर करके सुखा लिया है। इसकी जो बॉर्डर है इस पर हमें ये इस तरह से टेप लगा लेना है, ये देखिए इसको हाफ में पीछे की तरफ लगाएंगे, पूरा टेप स्टिक नहीं करना है, ये देखिए इस तरह से ऐसे स्टिक करेंगे, इस तरह से हाफ में स्टिक करना है, देखिए ऐसे इसको ऊपर की साइड में हाफ जो हमने रखा है इसको स्टिक करेंगे। ये फोल्ड करके इसको ऊपर की साइड में स्टिक करेंगे इस तरह से, ये देखिए ऐसे इसको स्टिक करके लेना है इस तरह। अभी ये जो ऊपर का बॉर्डर है यहाँ पे ये ठीक से स्टिक नहीं होता है, तो इसको कट लगाएंगे इस तरह से, और पीछे की साइड में इसको स्टिक करेंगे, ये देखिए इस तरह ये पूरी बॉर्डर में टेप को स्टिक कर लेना है, ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे ये मिरर्स को हमें इस तरह से स्टिक करना है, इसी तरह से हमें ये पूरे विंडो में मिरर्स को स्टिक करना है, देखिए इस तरह से। आपको जो पैटर्न चाहिए इस तरह से आप स्टिक कर सकते हैं। यहाँ पे मिरर की बॉर्डर में ग्लू लगा लेंगे और इसकी साइड में से डॉट्स बना लेंगे, इस तरह बना लेंगे। अभी ये जो ग्लू है इसके सूखने से पहले इसके ऊपर हमें ये ग्लिटर्स को लगा लेना है,
इस तरह से। इस तरह ग्लिटर लगा के इसको थोड़ा सूखने देना है। ये सभी इसमें ग्लिटर को लग जाना है, लगाना है ये ग्लू के ऊपर। और ये एक्स्ट्रा की ग्लिटर निकाल लेंगे। इसी तरह से सभी इसमें बना लेंगे। अगर ये ग्लिटर ये मिरर्स पे है तो आप ब्रश या ईयरबड्स की मदद से इसको निकाल लेना है। इस तरह से ये हमारा विनो डेकोरेशन फॉर वेडिंग्स बन गया है, रुखवत के लिए सूप डेकोरेशन। कैसे लग रहा है आपको?